ये वीडियो देखिए, किस तरह एक प्रेग्नेंट महिला को कुछ लोग खाट के सहारे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मूलभूत सुविधा के अभाव में जीवन जीने को मजबूर इन ग्रामीणों की ये हालत सारे दावों की पोल खोल रही है। जिंदगी और मौत से जूझ रहे इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। सरकार भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करे, पर आज भी जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं से लोगों को निजात नहीं मिल पाया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से निकलकर सामने आई, जिसने विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी। बता दें, मामला अंबिकापुर शहर से लगे ग्राम रनपुर कला का है, जहां सड़क नहीं होने की वजह से एक प्रेग्नेंट महिला को परिजनों ने खाट पर उठाकर करीब 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया। इसके लिए डायल 112 की टीम ने भी मदद की। परिजनों की सूचना पर सरगुजा की पीसीआर की टीम ने मॉनिटरिंग करते हुए तत्काल डायल 112 टीम को मौके पर रवाना किया, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से डायल 112 महिला के घर तक नहीं पहुंच पाया। इधर परिजन प्रेग्नेंट महिला को खाट में ढोकर एम्बुलेंस तक लाए, तब कहीं जाकर महिला को वाहन की सुविधा मिल पाई और मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में उसे भर्ती कराया गया, जहां महिला ने बेटी को जन्म दिया। राहत की बात यह रही कि महिला और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। बता दें, महिला पंडो जनजाति की है, उसके घर तक पहुंचने के लिए आज तक सड़क नहीं बन पाया। इस मामले पर प्रेग्नेंट महिला ने क्या कहा, सुनिए। कला अस्पताल कैसे पहुंचे? खटिया में। क्यों? क्योंकि वहां रोड नहीं बना है। वहां पे रोड नहीं बना है? हाँ। फिर आपके परिवार वाले आपको खटिया पर लेके? हाँ। कब पहुंचे अस्पताल? सोमवार को। अब महिला के पति ने क्या कहा, ये भी सुनिए। 4 लोग डोह के खटी पे लाए थे, रोड नहीं बना के सन से। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का क्या कहना है, ये भी जरा सुनिए। उसमें जैसा आपने बताया चैनल में चल रहा था, उसके बाद हम लोगों ने पता किया है, तो वो जहाँ पे महिला का लेबर पेन शुरू हुआ, तो वहाँ पे उसके रिश्तेदारों ने हमारे यहाँ महतारी एक्सप्रेस 112 जो होती है उसको फ़ोन किए। महतारी एक्सप्रेस जहाँ तक पहुँच सकती थी सड़क किनारे खड़ी थी, और हमारा ड्राइवर खुद वहाँ से लेके उनके घर तक गया। चूँकि सड़क बिल्कुल ही नहीं था, पगडंडी थी, गाड़ी जा ही नहीं सकती थी, तो उसको लेकर के वो जैसा लोगों का कहना है 1.25 किलोमीटर जो दूरी थी उसको खाट से लेके आए। इसके बाद हमारे 112 में महिला को रखा गया, मेडिकल कॉलेज में लाया गया, और महिला का जचकी जो हुआ डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हुआ, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और संभवतः आज या कल में उनकी छुट्टी हो जाएगी। फिलहाल अब नई सरकार सत्ता में आ गई है, ऐसे में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने वाले लोगों के लिए सरकार क्या प्रयास करती है, ये देखने वाली बात होगी। अंबिकापुर से सुमित सिंह की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।